नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मैथ फाउंडेशन बैच में, जिसमें हम लोग कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए। चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास फेल वाले सवालों में, जिसमें मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके परसेंटेज के। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पर्टिकुलर चैप्टर में बनते हैं, इनका जो यूज है वो आगे के चैप्टर्स में नहीं रहता। और परसेंटेज में जो भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मेजर आपका जो बेसिक है, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में और जो परसेंटेज में पढ़ने वाले हो, वो बेसिक पूरा का पूरा आपको कवर हो गया है। बस अब आपको टाइप के सवाल देख लेने हैं कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और क्या हमारा तरीका होता है, क्या हमारा अप्रोच होता है उसको सॉल्व करने का। तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मार्क्स बेस्ड पास और फेल से रिलेटेड क्वेश्चन को परसेंटेज में। तो चलिए फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये कि जो भी बच्चे नए हैं, अपनी ये जो क्लासेस चल रही हैं इनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मैथ फाउंडेशन बैच के नाम से, जिसमें प्रीवियस सारी वीडियोस डाल रखी हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और परसेंटेज के भी जितने लेक्चर हो रखे हैं वो सारे के सारे इसमें पढ़े हुए हैं। जाके आप सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट से आप पूरा एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटा सा बेसिक है इस पर्टिकुलर टाइप का। आप सवाल देख लो, सवाल एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं। पुनीत ने एक परीक्षण में 175 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? अब देखो, इसमें कई सारे टर्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक उसको अंक मिला, दूसरा अनुत्तीर्ण हो गया, फिर उत्तीर्ण की बात करेगा, फिर प्रतिशत की बात करेगा और अधिकतम अंक की बात करेगा। तो इसमें कई सारे वर्ड्स हैं जिनको हमको समझना है। और जनरली ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपने हमेशा अपने पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुन रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है, बस आपको इसको कनेक्ट करना है पीछे से। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और पीछे से ये सारी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में हम कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं, कुछ हमारे नंबर बनते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें आती है। जैसे अगर आप दसवीं पास हो तो हमसे पूछा जाता है कितने प्रतिशत नंबर है, कितने परसेंट बना आपका, तो हम बताते हैं 60% नंबर बना, 70% नंबर बना। कई बार लोग पूछते हैं कितने नंबर बने आपके, आप बताते हो 360 नंबर बने, 370 नंबर बने, 400 नंबर बने, 450 नंबर बने। कई बार ऐसा होता है जो नया बंदा होता है जिसको नहीं मालूम होता है कि आपका पूर्णांक कितने का होता है, पूछता कितने नंबर का पेपर बनता है, तो आप बताते हो पूरा जो पेपर होता है 500 नंबर का होता है जिसमें मेरे को 400 नंबर मिले हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो एक आपका होता है प्राप्तांक। क्या होता है? प्राप्तांक, जो आपको मिलता है, ये आपको मिलता है। दूसरा होता है पूर्णांक, जितने नंबर का पेपर होता है, ये जितने भी अधिकतम अंक, इसको हम लोग अधिकतम अंक भी बोलते हैं। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लेता हूं कि जैसे 500 नंबर का पेपर था, 500 नंबर का पेपर था, तो जो पूर्णांक हो जाएगा या अधिकतम अंक हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। मान लो इस 500 नंबर में आपको 400 नंबर मिले तो ये आपके प्राप्तांक हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि प्राप्तांक का परसेंटेज कितना है, तो आप बोलोगे सर जी 400 नंबर मिला है कितने में, 500 में, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे में 100 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर जी 80% आ जाएगा। मतलब अगर आप प्राप्तांक को देखो तो दो तरीके से बात कर सकते हो। एक तो ये बता सकते हो कि सर जी 400 नंबर मिला है 500 में, या दूसरा आप बता सकते हो कि 80% नंबर आया है। तो ऑटोमेटिक बंदा समझ जाएगा कि अगर मान लो कोई एग्जाम 100 नंबर का है तो उसमें से 80 उसको मिला है, आइडिया लगा लेगा। इसमें एक होता है पासिंग मार्क। इसमें क्या होता है? पासिंग मार्क, उत्तीर्ण अंक, हिंदी में बोले तो उत्तीर्ण अंक और इंग्लिश में बोले तो पासिंग मार्क। कई बार ऐसा होता है जितने नंबर हमको मिले हैं वो जरूरी नहीं कि पास है। जैसे हमको हमारे दसवीं और बारहवीं में बोला जाता है कि जो पासिंग परसेंट होता है वो 33% होता है। मतलब अगर 100 में से 33 नंबर लेकर आते हो तो आप पास हो जाते हो। तो हो सकता है कि इस एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स रहा हो वो 200 नंबर का रहा हो, लेकिन ये तो नंबर में है। कहने का मतलब ये कहा जाएगा कि अगर 500 में 200 नंबर लाए तो पास होगे, 200 नंबर से ज्यादा आया तो पास रहोगे, लेकिन अगर 200 नंबर से कम रहा तो आप फेल हो जाओगे।
तो अगर पासिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 200 पास होने के लिए चाहिए, लेकिन कितने में से? 500 में से। और अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे होगे तो आप ये समझो कि हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो नंबर में भी है, परसेंटेज में भी है। प्राप्तांक है वो नंबर में भी है, परसेंटेज में भी है। और जो अधिकतम अंक है इसको भी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, नंबर में भी और परसेंटेज में भी। अगर भाई किसी को 500 में 500 मिले, पूरे में पूरे नंबर मिले, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 500 बटे 500 गुणे 100, 100%। अब इस सवालों को हमेशा समझने के लिए आपको क्या करना है कि एक लाइन बनाना है और इसी में सारी चीजों को समझना है। आप हमेशा कभी भी एग्जाम में सवाल है तो इस तरीके से एक लाइन बना दो, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखो, एक तरफ आपको अंक लिखने हैं और एक तरफ आपको परसेंटेज लिखना है। यहां पे 0% है और यहां पे 0 अंक है, यहां पे 100% है और यहां पे अंक हमको नहीं मालूम है। हो सकता है अगर 500 नंबर का होगा तो 500, 600 नंबर का होगा तो 600, 700 नंबर का होगा 700। ये हमारा हो गया मान लो एम। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, जैसे जो भी हमारा नंबर है वो भी यहीं से यहीं तक चलेगा और जो भी हमारा परसेंटेज है वो भी यहीं से यहीं तक चलेगा। अगर हम बात करें 50% की तो यहाँ पे 50% आ जाएगा, और 50% का ये मतलब होता है कि भाई इसको आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? n बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि नंबर सिस्टम आप बनाओगे, नंबर लाइन बनाओगे, सॉरी नंबर सिस्टम नहीं, नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन में आप एक तरफ परसेंटेज एक तरफ नंबर लिखोगे, और जो भी सवाल में दिया होगा डेटा कि कितने नंबर है या कितने परसेंट है तो नीचे दिखाओगे और नंबर है तो ऊपर दिखाओगे, और फिर आपस में कनेक्ट करोगे। देखो कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि पुनीत ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए, भाई ये हमारी लाइन है और इसमें कहीं ना कहीं पे आपका एक पासिंग वाली लाइन होगी, ये पास वाली लाइन होगी, मतलब इसके इधर फेल है और इसके इधर पास है, तो ये एग्जैक्ट हमारा क्या होता है? कट ऑफ होता है। आपके एग्जाम में एक नंबर के ऊपर आप पास होते, एक नंबर के नीचे फेल होते, वो हमारा कट ऑफ हो गया, तो पासिंग परसेंट हो गया ये, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, ये हमेशा 100% रहेगा और ये आपका नंबर है, टोटल कितना पूर्णांक है, ये पूर्णांक हो जाएगा। कह रहा है उसको 175 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब समझने की कोशिश करो मिला कितना? 175, और कैसा है? फेल है, पास नहीं हुआ। कितने नंबर से फेल है? 35 नंबर से फेल हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको 35 नंबर और दे दिया जाए, जितना भी नंबर मिला है अगर उसमें 35 नंबर और दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मिला कितना है? 175 मिला है और ये पीछे है, और पास होने के लिए कितने और नंबर चाहिए? 35 नंबर चाहिए। तो अगर पास हो जाएगा तो कितने नंबर आ जाएंगे? आप बोलोगे सर जी दोनों को जोड़ दो, भाई इतना मिला इतना और चाहिए, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया? 210। ये हमारा क्या हो गया? पासिंग मार्क्स हो गए। अगर एग्जाम में पूछता कि पासिंग मार्क्स कितने, तो आप आसानी से बता देते कि 210 नंबर। अगर नंबर मिला फेल हो गया तो जितने नंबर से फेल हुआ उसको जोड़ देना है, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। या कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि इतने नंबर मिले और पासिंग से इतना ज्यादा है, तो पासिंग से जितना ज्यादा है उतना घटा दोगे तो भी पासिंग पे आ जाओगे, जितना नंबर ज्यादा मिला वो घटा दोगे तो भी पासिंग पे आ जाओगे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, और ये कह रहा है जो पासिंग परसेंट है इसकी वैल्यू 35% है, कहने का मतलब 35% पे पास हो जाता है लड़का। अब देखो हमको पासिंग मार्क्स दो तरीके से मालूम चल गया, एक परसेंटेज में भी मालूम चल गया और एक नंबर में भी मालूम चल गया। यही हमारा मकसद है कि हमको एक ही लाइन में परसेंटेज और नंबर दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ही ये मिलेगा वैसे हमको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि जो 35% की वैल्यू है वो 100 नंबर के बराबर है। अब आपसे सवाल में पूछ रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक हमेशा कितने होंगे? 100% होंगे, 100% की वैल्यू निकालनी। अब देखो अगर यहां पे आप 7 से भाग दे दोगे तो 5 बार जाएगा, और 7 से भाग, सॉरी यहां पे 210 नंबर है, 7 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। अब यहां से यहां पे जाने के लिए किसका गुणा करना है? 20 का गुणा करना, भाई 20 25 100 होता है, तो यहां से यहां आने के लिए भी किसका गुणा कर दोगे? 20 का गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 600 नंबर का। मतलब पूरा पेपर था वो 600 नंबर का पेपर था, पूर्णांक 600 थे, या इसको अधिकतम अंक भी कह सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, एकदम बेसिक एग्जांपल था, इसमें और वेरिएशन देखते हैं कि क्या क्या और वेरिएशन अपने को मिल सकते हैं। शिवम ने परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, फिर से इसी तरीके से लाइन बनाई,
उसको मिला कितना 30% मिला, और लेकिन अभी पास नहीं हुआ है, फेल है, ये आपका पासिंग है। लेकिन कह रहा है इसको 10 नंबर और मिल जाते, कितने नंबर, 10 नंबर और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। हालांकि समान परीक्षा में देने वाले आकाश ने कुल अंकों का 40% प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। अब दूसरे केस में कह रहा है एक बच्चा इससे ज्यादा मिला है, कितना मिला है 40%, वो इधर हो गया भाई। लेकिन अपने को यह भी समझना है कि वो पासिंग के इस तरफ है, 40 तो इसके इधर यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है, तो उसको आपको क्या करना है, पास करना है, क्योंकि वो कह रहा है पासिंग नंबर से 15 नंबर ज्यादा है, तो पास वाली लाइन के इस तरफ जाएगा और कह रहा है इसको कितना मिला है 40% नंबर मिला है। लेकिन कह रहा है पासिंग से कितने नंबर ज्यादा है, कह रहा है सर 15 नंबर ज्यादा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हम अगर देखें तो यहां पे कुछ नंबर मिला होगा उसको और यहां पे कुछ नंबर मिला होगा उसको, भाई नंबर लाइन में यहां पे कोई नंबर होगा और यहां पे कोई नंबर होगा। लेकिन अगर हम देखें इनके बीच का जो अंतर है, तो आप बोलोगे सर ये इसमें से इसमें, भाई यहां से यहां तक 10 नंबर और यहां से यहां तक 15 नंबर, तो टोटल जो अंतर आएगा नंबर का वो कितने का आ जाएगा, 25 नंबर का आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो परसेंटेज में भी आपको अंतर मिलेगा, यहां पे 40% है, यहां पे 30% है, अंतर कितना हो गया 10%। ये जो 10% की वैल्यू है यही किसके बराबर हो जाएगी, 25 नंबर के बराबर हो जाएगी। अब जो भी सवाल में पूछा जा रहा है वो हम सारा कुछ बता सकते हैं, अधिकतम इतने अंक अधिक प्राप्त किए, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या थे। अब हमको इस वाले केस में ये नहीं बताना है कि पूर्णांक हमारा कितना है, कहने का मतलब 100% का मतलब 250 हो जाएगा, लेकिन हमको 100% नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि ये वाला नंबर कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, परसेंटेज भी नहीं बताना है, मार्क्स बताने हैं। परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे मार्क्स पूछा जा रहा है, तो मार्क्स कैसे निकालेंगे, चाहे आप यहां से यहां पे चले जाओ, चाहे आप यहां से यहां पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, दोनों तरफ से आंसर आएगा। हमने कहा अगर 10% का मान मालूम है तो 30% का मान निकाल लेते हैं, 30% का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कहने का मतलब पहला वाला जो लड़का है उसको कितने नंबर मिले हैं, 75 नंबर मिले हैं और 10 नंबर से फेल हो गया है। 75 नंबर मिले हैं और 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब 10 नंबर और दे दो 75 में, 75 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 75 और 10 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 85। ये जो 85 नंबर मिलेगा ये किसका हो जाएगा, पास वाले का हो जाएगा। इधर से भी कर सकते थे भाई, 4 का गुणा कर दो तो 100 हो गए, और 100 में कितना घटा के इधर आना है, 15 घटा के आना है, 100 में से 15 घटाओगे तो भी क्या मिलेगा, 85 मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला चाहे इधर से सॉल्व करो चाहे इधर से सॉल्व करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। और मैं बता दूं बहुत ही आसान सा सवाल होता है, इसमें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, हर बच्चे का ये क्वेश्चन सही हो जाता है, बस आपको देखना है कि कितनी जल्दी आप इसको कर पाते हो। एक अभ्यर्थी को 36% अंक प्राप्त होते हैं और वह कुल अंकों के 27.5% से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लैंग्वेज को भी कई बार बड़े ध्यान से समझना वरना गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा भैया 36% मिला है, कितना मिला है 36% मिला है, कब, जब टोटल हमारा कितना है 100 है, और कह रहे टोटल के 27.5% से फेल हो गया, मतलब इसी के 27.5 से फेल हुआ है। कहने का मतलब इसका 27.5 कितना हो जाएगा, 27.5% हो जाएगा, और अगर इसमें जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारी पासिंग वाली लाइन हो जाएगी वो 36% तो रहेगी प्लस इसमें 27.5% और जोड़ दो, ये हमारा पासिंग लाइन हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 63.5% आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, एक अन्य उम्मीदवार जिसने पूर्ण अंकों से 29% कम अंक प्राप्त किए, कह रहा है टोटल से 29% कम है, टोटल हमारा कितना है 100% है, इससे 29% कम करोगे तो कितना आ जाएगा, भाई इससे 29 इधर कर लोगे तो 71% आ जाएगा, इतना मिल गया। बोलो बात क्लियर होगी। कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक हासिल किए, कह रहा है जितना पास करने के लिए चाहिए था इससे इसको 15 ज्यादा मिले, कितने ज्यादा मिले हैं 15 ज्यादा मिले हैं। फिर से वही कहानी बन गई भाई, यहां पे भी हमको परसेंटेज मालूम है, यहां पे भी परसेंटेज मालूम है, और दोनों के बीच का नंबर भी मालूम है, तो परसेंटेज का अंतर 71% और 63.5% का जो डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, भाई इधर 6.5 और इधर 1.5% आ जाएगा। ये जो 7.5% है ये किसके बराबर है, 15 नंबर के बराबर है। अब हमको इसमें क्या कह रहा है, कुल अंक बताना है, मतलब 100% का मान बताना है, भाई अगर हम 7.5 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 1% की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो अगर 100 बनाना है तो 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर लगा दो, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
मतलब जो पूरा नंबर है वो 200 नंबर का पेपर है। बोलो बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। आप देख रहे होगे जो सवाल एग्जाम में आते हैं बड़े आसान होते हैं, मतलब बहुत कठिन नहीं होते। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 30% और 45% है। लड़की के लिए अलग परसेंटेज है और लड़के के लिए अलग परसेंटेज है। जैसे आप अगर आप एग्जाम देते हो तो कई सारी कैटेगरी होती हैं, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स होते हैं। कोई 100 नंबर पे पास हो जाता है, कोई 120 नंबर पे पास होता है, कोई 140। तो वैसे ही किसी कॉलेज में कैटेगरी लगी है कि लड़कियों के लिए मात्र 30% है और लड़कों के लिए 45% है। तो भाई अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो 30% एक हो गया और एक हमारा हो गया 45% हो गया। यहां पे लड़की पास हो जाएगी और यहां पे लड़का पास हो जाएगा। ठीक, कह रहा है एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब यहां पे आपको समझना है कि 280 नंबर मिले हैं किसको, लड़के को, और कितने नंबर से फेल हो गया है, 80 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर उसको 80 नंबर और दे दिया जाए, 280 में 80 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 360। तो 360 पे वो लड़का पास हो जाएगा। तो अगर हम पास के मार्क्स की बात कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 360। किसके लिए, लड़के के लिए। ये लड़के के लिए है, ये लड़की के लिए है। तो हम लोग लड़के के लिए बात कर रहे तो 360 नंबर हो गया। मतलब 360 जो नंबर है वो 45% के बराबर हो गया। अब कह रहा है यदि एक लड़की ने 108 अंक प्राप्त किए तो उसे परीक्षा में और कितने अंक प्राप्त करने होंगे, किस चीज के लिए। अच्छा, पास होने के लिए, रिक्वायर टू पास इन द एग्जाम। यहां पे पास होने के लिए आगे लिख लो, पास होने के लिए। भाई ऐसे तो हमको मालूम थोड़ी ना चलेगा कितने नंबर चाहिए, बहुत सारे नंबर चाहिए हो सकते हैं, भाई पूरे में पूरे नंबर चाहिए हो सकते हैं। हमको ये बताना है कि पास होने के लिए और कितने नंबर चाहिए, कब, जब उसको 108 नंबर मिले। अच्छा देखो, यहां से एक बात समझ में आ रही कि जो 45% है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। मैंने बोला 9 से काट दो, 5 बार जाएगा, 5% की जो वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी, 40 के बराबर। हमको 30% की वैल्यू निकालनी, हमको मालूम है कि लड़की को पास कराना है तो कितने परसेंट नंबर देने हैं, 30% नंबर देने। तो 6 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब उस लड़की को नंबर कितना मिला है, 108, चाहिए कितना, 240। तो कितने नंबर और उसको चाहिए, अभी 240 में से अगर 108 को घटा देंगे इतने ही नंबर हमको और चाहिए लड़की को, 132 नंबर लड़की को और चाहिए पास होने के लिए। बोलो बात समझ में आ गई। देख रहे हो सारे के सारे सवाल हम लगभग एक ही तरीके से कर रहे हैं। अगर नीचे परसेंटेज है एग्जैक्ट तो ऊपर परसेंटेज का वैल्यू नंबर में मिल जा रहा है, या अगर 2% का यहां पे वैल्यू मालूम है तो इनके बीच का अंतर मालूम है तो यहां पे अंतर निकाल के कर। बस दो ही चीजें हैं, या तो आपको अंतर से काम चलेगा या तो आपको परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, चलो अब देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे इस क्वेश्चन को आगे जब हम लोग एक चैप्टर आएगा एलिगेशन, जब वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे भी करेंगे, लेकिन यहां पे भी करके चलते हैं, कोई कठिन नहीं, आसान है। परसेंटेज से भी करोगे बिना एलिगेशन के तो भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको समझना यहीं पे, सीखना यहीं पे है, क्योंकि यहां पे बेसिक चीजें रहती हैं। कई बार जब एग्जाम में हमको चीजें समझ में नहीं आती तो बेसिक से आप करोगे तो सवाल आसानी से हो जाता है। कह रहा है 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जिसमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर देती है। कह रहा है भाई हमारे पास में टोटल 80 क्वेश्चन का पेपर है जिसके 40 क्वेश्चन में 65% सही कर दिया, पूरे टेस्ट में 75% स्कोर करने के लिए। अब भाई इसमें 65% सही कर दिया तो नंबर भी 65% ही मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का नंबर एक ही है, मतलब जितने क्वेश्चन उतने नंबर, तो जितना नंबर उतना ही परसेंटेज आ जाएगा सीधे सीधे। पूरे टेस्ट में 75% स्कोर करने के लिए उसे अन्य 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देने की आवश्यकता होगी। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, भाई उसने क्या किया है, एक 40 का एक पेपर हो गया, दूसरा 40 का एक पेपर हो गया, और टोटल हमारा क्या हो गया, 80 का पेपर हो गया। अब मान लो अगर हमें 80 में से 30 सही करने हैं, 80 में से कितने सही करने हैं, 30 सही करने हैं। अगर मैं बोलूं यहां वाले पे 20 सही कर दिया तो यहां पे कितने सही करने पड़ेंगे, आप बोलोगे सर जी यहां पे 10 सही करने होंगे। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, मान लो अगर इसी को हम लोग परसेंटेज में देखें, ये तो हमारा हो गया नंबर में, अगर अब हमें इसको परसेंटेज में देखना है तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अगर मैंने बोला कि यहां पे 30% स्कोर करना है और यहां पे 20% स्कोर कर दिया है, तो क्या यहां पे कितने परसेंट का स्कोर करना पड़ेगा, 10% का करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा,
सावधान होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ 10% ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात तो अगर यहां पे 20% किया तो यहां पे 10% नहीं आएगा, यहां पे ज्यादा आएगा, यहां पे 20 और 30 से भी ज्यादा आएगा, मतलब यहां पे 30 से भी ज्यादा परसेंट आएगा। तो परसेंटेज के केस में थोड़ी सी सावधानी आपको देनी है, वरना आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हो। अब देखो परसेंटेज में कैसे निकलेगा, परसेंटेज का मतलब यह होता है कि हमको टोटल क्वेश्चन सही निकालने हैं। यह कह रहा है कि भाई 80 में से 75% मिलना चाहिए, मतलब 80 का 75% सही होना चाहिए। मैंने कहा 80 का 75% सही होना चाहिए। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4 होता है। मैं अभी फिलहाल तो 3/4 लिख देता हूं, बेसिक से मैं समझा रहा हूं। अगर आप यहां पे देखोगे तो 4 से काट दिया 20 और 20 ने कितना हो गया 60। कहने का मतलब उसको टोटल 60 अंक लाने हैं या 60 क्वेश्चन सही करना है। बात समझ में आ गई। लेकिन कह रहा है कि जो पहला वाला 40 है, चाहिए वाला जो 40 है, इसमें सिर्फ 65% क्वेश्चन सही किया। तो इसका 65 का मतलब 65/100 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, 2 से काट दोगे 2 बार जाएगा, 2 से काट दोगे 5 बार जाएगा, 5 से काट दोगे 13 बार जाएगा, 13 दुना कितना हो गया 26 हो गया। कहने का मतलब यह है कि उसको टोटल 60 क्वेश्चन सही करना है, जिसमें से अभी तक उसने कितने क्वेश्चन सही कर रखे हैं, 26 क्वेश्चन सही कर रखे हैं। तो बाकी कितने क्वेश्चन अभी उसको और सही करने हैं? तो आप बोलोगे सर जी इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 34 क्वेश्चन और सही करने हैं। लेकिन ये जो 34 क्वेश्चन सही करने हैं, कितने में सही करने हैं, 40 में सही करने हैं, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणे में 100 कर दो। अब देखो 2 बार 2 से जाएगा, 1 बार इधर जाएगा 5 बार, और 1 बार इधर जाएगा 17 बार, 17 पचे कितना आ जाएगा 85%। मतलब उसको आखिरी वाले में 85% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे परसेंटेज में। कितने प्रतिशत, मतलब 85%। ये आपको एकदम बेसिक तोड़ तोड़ के समझा समझा के मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर इसी को आपको एक लाइन में लिखना है तो आप कैसे समझोगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, कि भाई एक 40 में 65% सही किया है, दूसरे 40 में मान लो हमको निकालना है तो मान लो x परसेंट सही किया है, और टोटल कह रहा है 80 में कितने परसेंट सही करना है, 75% सही करना है। ये सीधे सीधे आपको लाइन लिखनी है एग्जाम में। अब देखो यहां से कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, बस ये लाइन लिखना है भाई। यहां पे देखो आप ध्यान से देखोगे तो यही तो किया है, इसका 65% निकाला है, इसका 75% निकाला है, इसके 75% में से इसका 65% घटा दिया है, तो बाद वाले का x परसेंट आ गया। बस यही कहानी है यहां पे सीधे सीधे। अब इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, अगर मैंने 40 से भाग दिया तो ये 40 कट जाएगा, ये 40 कट जाएगा, ये 2 बार आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, x परसेंट बचेगा, और परसेंट परसेंट से हटा दो, परसेंट से भाग दे दिया, कहानी खत्म, अपने आप एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी। अब हमको ये मालूम है कि 75 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150, और 65 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 - 65। क्या आ जाएगी 150 - 65, और 150 में से 65 घटा दोगे कितना आ जाएगा 85, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें ये समझने के लिए था, ये कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसी पे एक सवाल और है, कह रहा है एक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है, पहले खंड में 75 प्रश्नों में से एक छात्र को 64% अंक प्राप्त हुए, उसे दूसरे खंड में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ताकि कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हो जाए। एक में 64% मिल चुका है, ओवरऑल 70% चाहिए, तो दूसरे में कितना चाहिए। तो आप ऐसे समझो कि एक 75 में उसको कितना मिल चुका है, 64% मिल चुका है, दूसरे 75 में मान लो कहते हैं कि हमको x परसेंट और मिल जाए, तो टोटल क्या हो जाएगा 150 क्वेश्चन में हमको कितना परसेंट चाहिए, 70% चाहिए, बस बन गया हमारा 70%। अब देखो यहां से 75 से भाग दोगे तो ये एक बार और ये 2 बार कट जाएगा, यहां पे x आएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज भी हटा दो, कितना हो जाएगा 140 और 64 घटा दो, तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 140 - 64, 70 से 6 कम है तो दूसरा वाला 70 से 6 ज्यादा हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई 140 होता 70 + 70, तो एक 70 से 6 कम था, तो मैंने एक दूसरे को 70 से 6 ज्यादा, ये कैलकुलेशन है, आप जैसे भी करो आप आसानी से घटा के भी देख सकते हो, ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 76, क्लियर। अब देखो एक छोटा सा वेरिएशन और, ये सारे हमारे मैंने मार्क्स वाले क्वेश्चन भी ले लिए और पास फेल वाले क्वेश्चन भी ले लिए, कुछ और भी वेरिएशन है जो हमारे आगे चैप्टर से रिलेटेड है, तो जो हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक आप जब उनको आपके सामने आंख से गुजरेंगे तो आप खुद से ही सॉल्व कर पा रहे हो, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतिशत ज्ञात करो।
ये जितने भी अब हम लोग सवाल कर रहे हैं ये भी आप एलिगेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उससे भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग यहां पे भी देखेंगे। कह रहा है 1000 लड़के और 800 लड़कियां, 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो गई। 60% लड़के का मतलब इसका 60% और 50% लड़कियां का मतलब इसका 50%, ये लोग पास हो गए। अब हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। अगर मान लो आपसे एग्जाम में अनुत्तीर्ण पूछा जा रहा है तो हमेशा आप अनुत्तीर्ण के बारे में सोचो, जो नजर है वो कहां पे होनी चाहिए, अनुत्तीर्ण पे होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि भाई लड़के और लड़कियां हैं और 60% लड़के पास हो गए। अगर 60% लड़के पास हो गए तो फेल कितने होंगे? हमेशा दो ही चीजें होती हैं, या तो आप पास होते हो या तो फेल होते हो। तो अगर मान लो 100 में से 60 लोग पास हो गए तो 40 लोग क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। तो अगर 60% पास हुए तो 40% फेल हो गए होंगे, और हमें क्या चाहिए, फेल चाहिए। तो फेल पे फोकस करो। कहने का मतलब भाई ये 1000 का 40% हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। फिर कह रहे 50% लड़कियां पास हुई, तो बाकी जो 50% है भाई 100 में से घटा दिया, 50% लड़कियां हमारी फेल हो गई। तो ये हमारे फेल उम्मीदवार आ गए, कितने फेल उम्मीदवार हैं, और हमको टोटल पहले से मालूम है टोटल कितने उम्मीदवार हैं। जो पास और फेल है वो टोटल के हिसाब से निकालना, कह रहा है टोटल अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का। अब उम्मीदवार में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे, तो हमको टोटल देख लेना है। अब भाई इसका 40% 400 हो जाएगा और इसका 50% भी 400 हो जाएगा, तो 400 और 400 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। टोटल 800 लोग हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। और कितने में से, 1800 में से। परसेंटेज में बदलना है, गुणे में 100 कर दिया। ये 2020 मैंने वो 100 क्यों नहीं काटा मैं बता रहा हूं, ये हो गया 4 और ये हो गया 9। इससे आप तुरंत कनेक्ट कर पाओगे, ये हमारा 4/9 है, और 4/9 को हम लोग कितना लिखते हैं, 44.44%। इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला नहीं काटा, ये 100 परसेंटेज में बदलने के लिए, ये सीधे सीधे फ्रैक्शन में 4/9 का मतलब 44.44%, सीधे सीधे आप लिख सकते हो। बात क्लियर होगी। चलो इस पर एक और सवाल करते हैं, अब तुरंत पकड़ना, सीधे सीधे नंबर लिखना। कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल हुए, 50% लड़कों और 40% लड़कियों ने परीक्षा पास की, असफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत बताना है। असफल होने वाले उम्मीदवार, उम्मीदवार का मतलब लड़का और लड़की मिला के। तो अगर 50% पास तो 50% फेल, 50% का मतलब होता है आधा, मतलब जितने भी लड़के हैं उसका आधा लड़का हमारा फेल हो गया, इतना हमारा फेल हो गया। लड़कियों का 40% हमारे पास हो गए, तो बाकी फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से 40 घटा दिया 60, 60% फेल हो गए। तो इसका 900 का 60%, 900 गुणे 60/100 54, 540 आ जाएगा। और बटे में टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 1100 और 900 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। परसेंटेज में बदलना है तो गुणे में 100, बस इतना ही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में लिखना है ऐसे ही फटाक से। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 500 500, 1000, 50 40, 90, 1090 हो जाएगा गुणे में 100। आप देखो ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30 कट गया, 2 से भाग दोगे 5 बार, 2 से भाग दोगे 4 बार, 2 से भाग दोगे 5 बार जाएगा। 54.5% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बोल बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे पास और फेल से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए। मार्क्स बेस्ड भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जैसे इसमें हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और वो दोनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों पार्ट आपस में बराबर नहीं हो सकते। हो सकता है कि एक 70 की बात करे और एक 80 की बात करे, तो भी आप यही तरीका लगाओगे तो भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है। एग्जाम में कभी कभी एक दो सवाल आपके आ जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। आप ऐसे समझो अगर 100 बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो 100 में से 90 बच्चा, वो सारे 90 बच्चे वो सारे सवालों को लगा लेते हैं। वो 10 बच्चे वही होते हैं जिन्होंने कभी उस सवाल को पढ़ा नहीं होता, देखा नहीं होता, सीखा नहीं होता, तभी वो नहीं लगता, वरना ये सवाल इतने आसान होते हैं कि आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज की क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा कि क्लास जो हमारी रेगुलर होती है वो शाम को 8 बजे होती है। यहाँ पर मैंने टाइम भी लिख रखा है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। हमेशा रात 8 बजे अपन की क्लास लाइव रहती है, आप
8 बजे आके इसको देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।